दोस्तों, किसानों की आए दिन फसल जलने की खबरें आपने ज़रूर सुनी होगी। गर्मियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो किसानों की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, और लेकिन किसानों की फसल को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। वो हो सकता है किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से या बिजली की वजह से। तो किसानों की आपने देखा होगा, जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो कहीं ना कभी कहीं से आपको खबर ज़रूर मिलती होगी कि इस क्षेत्र से किसानों की 10 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई या 20 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तो आज हम आपको यही बताने हैं कि किसानों की फसल जो बर्बाद हो जाती है जलकर या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो इसका सरकार से आप मुआवजा कैसे ले सकते हैं। सपोज दैट आपके 10 बीघे गेहूँ खड़े थे और आपके गेहूँ जल गए किसी भी कारणवश, हो सकता है हार्वेस्टर चल रहा हो वहाँ पर आग लगने की वजह से या बिजली के तारों की वजह से या किसी अन्य आपदा की वजह से आपके गेहूं की फसल या कोई भी किसी भी टाइप की फसल आपकी जल जाती है या कोई किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से ख़राब हो जाती है, तो आप सरकार से मुआवजा कैसे ले पाएंगे, इसके विषय में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पुंछागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, इससे बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। दोस्तों, अगर मैं बताऊँ कि किसानों की फसल सपोज दैट किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से ख़राब हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको सर्वप्रथम अपने ग्राम प्रधान या सचिव को देनी होती है। इसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और आपकी जो भी फसल ख़राब हुई है उसका निरीक्षण करने लेखपाल या सचिव आपके खेत तक पहुंचता है, और फसल का निरीक्षण करने के बाद उसकी अनुमानित कीमत लगाकर मुआवजा दिलवाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, आपका सेकेंड मेथड होता है, अगर आपने फसल का अपने इंश्योरेंस करा रखा है, बीमा करा रखा है, तो वो कंपनी वहन करती है। इसकी भी जानकारी आपको अपने जिस कंपनी से आपने बीमा या फसल बीमा करा रखा है उसकी जानकारी देनी होती है। अगर आपने सरकारी करा रखा है तो आपको ग्राम प्रधान या लेखपाल या सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं उसको जानकारी देनी होती है। वो फसल का आकलन करके आपके फसल का मुआवजा सरकार से दिलाते हैं। थर्ड बात आती है, अगर आपकी फसल शॉर्ट सर्किट मतलब कि बिजली के तारों की वजह से जल जाती है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। इसके लिए आपको मुआवजा जो देती है वो बिजली कंपनियां देती हैं, लेकिन आपको इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि बिजली कंपनियां या बिजली विभाग आपकी जल्दी से बात नहीं सुनते हैं। इसके लिए अपने आप तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर एप्लीकेशन देकर वहां से निरीक्षण करवा कर फसल का अपने मुआवजा को ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस उतना सरल नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यक्ति अपना पैसा क्यों देगा, चाहे वो बिजली विभाग हो या कोई भी व्यक्ति अपना पैसा क्यों देगा। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, आप बिजली विभाग को कंप्लेन करते हैं, तहसील स्तर पर कंप्लेन करते हैं, सेक्रेटरी हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, इन सभी से कंप्लेन करते हैं कि हमारी फसल बिजली के द्वारा जली है, बिजली के तारों के द्वारा जली है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता है और आपके फसल का जो भी फसल आपकी जली होती है उसकी अनुमानित कीमत लगाकर सरकार आपको मुआवजा देती है। सरकार को मतलब बिजली विभाग आपको मुआवजा देती है। तो ये तीन ही कंडीशन हो जाती हैं। आपका पहला कंडीशन किसी भी कारणवश से बिजली को छोड़कर आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो उसके लिए आपको ग्राम प्रधान या सचिव से कांटेक्ट करना होता है। सेकंड, अगर आपकी फसल जल चुकी है तो आप पहले ये चेक कर लें कि आपने कहीं फसल बीमा का लाभ तो नहीं ले रखा है। अगर आप फसल बीमा ने लाभ ले रखा है तो आपका जो भी कंपनी फसल बीमा करेगी उसका पूरा भुगतान करती है। थर्ड, अगर आपका बिजली के द्वारा, शॉर्ट सर्किट के द्वारा, तारों के द्वारा फसल जल जाती है तो उसका मुआवजा आपकी बिजली विभाग ही देता है। तो ये जानकारी क्योंकि मैंने इसलिए साझा की क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है और वो अपनी फसल जो भी जल जाती है, नष्ट हो जाती है, उसका उचित मूल्य या मुआवजा नहीं ले पाते हैं। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि उन किसानों के लिए जिनकी फसल जलकर राख हो जाती है तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स मिलती है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें उन किसानों के लिए, उन सभी के लिए जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी या वीडियो जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके बता दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक